देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट को निकालना कोऑर्डिनेट में सीखा था, है ना। देखो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालना कोऑर्डिनेट में सीखा था। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। ध्यान दो, देखो कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास देखो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का इक्वेशन है z माइनस z नॉट बराबर r, है ना। तो क्या होगा, देखो z नॉट इसका सेंटर होगा और r इसका रेडियस होगा। अब मान लो एक पॉइंट z1 है ना सर्कल पर, ये z1 एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। अब हमें इस z1 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, है ना। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट z1 पॉइंट, हमें मान लो z1 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। देखो क्या करेंगे, z1 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इसको इससे मिला देंगे। अब क्या होगा, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। हम देखो क्या करें, इस टेंजेंट पर एक जनरल पॉइंट z मान लें, क्योंकि जिसका भी इक्वेशन निकालना होता है उस पर हम एक जनरल पॉइंट z मान लेते हैं। ध्यान दो, है ना, हमने क्या किया, देखो टेंजेंट के ऊपर एक जनरल पॉइंट z मान लिया। अब देखो ये वाला जो, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो ये होगा z माइनस z1, ठीक है। और देखो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, ये z1 पॉइंट है, इसको देखें तो ये z0 से z1 जा रहा है, तो z1 माइनस z0, है ना, z0 से z1 जा रहा है तो z1 माइनस z0, और ये है पॉइंट z तो z माइनस z1। अब देखो जैसे अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा 90 से, ये एंगल 90 है, इसको अगर 90 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा, तो जो मिलेगा वो ऊपर है ना, और जिसको घुमाया है वो नीचे, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, है ना। बोलो भाई, है ना, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 से घुमाएंगे तो ये मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, देखो हमने यहां पर जो मिलेगा वो ऊपर और जिसे घुमाया वो नीचे, यहां पाई बाई टू। अच्छा ध्यान दो, अगर हम यही पॉइंट जेड यहां लेते तो क्या होता, ये पोजीशन उल्टी हो जाती है ना। अगर हम पॉइंट देखो z यहां लिया, इसका मतलब ये जो है ये इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब z1 के जो लाइन इस साइड है उसकी ये इक्वेशन है, क्योंकि हमने z पॉइंट को यहां लिया है। अगर हम z पॉइंट को ऊपर ले लें तो क्या होगा, देखो उल्टा होगा, इसे घुमाने से ये मिलेगा, तो वहां पर ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी, तो हो जाएगा देखो क्या, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z0 बराबर, ठीक है, पाई बाई टू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसे घुमाने से ये मिलेगा, जो मिलेगा वो ऊपर, इसे घुमाया वो नीचे। अच्छा अब देखो इसी को, अब ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन उस टेंजेंट की है जो z1 के ऊपर है, मतलब ये इक्वेशन इसकी है और ये इक्वेशन इसकी है। हम देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z0 अपॉन z माइनस z1 बराबर माइनस पाई बाई टू, ठीक। अब देखो अगर हम इन दोनों को यहां पर कंबाइन करें तो ये ऐसा हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z0 अपॉन z माइनस z1 बराबर प्लस माइनस पाई बाई टू, है ना। इस पूरे का आर्गुमेंट जो है देखो ये प्लस माइनस पाई बाई टू हो गया। अब ये क्या है, ये पूरी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, है ना। अब देखो ध्यान दो जरा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होगा, प्योरली इमेजनरी, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो उसका आर्गुमेंट या तो पाई बाई टू होगा या माइनस पाई बाई टू होगा, है ना। जैसे कि मान लो हमने z बराबर 3 आयोटा ले लिया,
अब ये प्योरली इमेजरी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर कहीं है तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई टू है, मतलब या तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा, दोनों ही केसेस में ये प्योरली इमेजरी है। और अगर ये प्योरली इमेजरी है इसका जेड बार निकालो माइनस आई बाई, तो जेड प्लस जेड बार बराबर हो जाएगा जीरो। तो मतलब देखो इसका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है। और अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका और इसके कंजुगेट का सम हमेशा जीरो होगा। तो देखो इसका और इसके कंजुगेट का सम, इसका कंजुगेट देखो ये हो गया, है ना, जीरो हो जाएगा। ध्यान दो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो उसका और उसके कंजुगेट का सम जीरो हो जाएगा। तो देखो ये पूरे के पूरे टेंजेंट की इक्वेशन यहां से आ गई, है ना, ये इस पूरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखो यहां से हमें मिल गई। ध्यान दो, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टेंजेंट का इक्वेशन हो गया जो कि हमने Z1 पॉइंट पर ड्रॉ की है इस सर्कल में, इस सर्कल में Z1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है। देखो ये उसका इक्वेशन हमारे सामने आ गया, है ना। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मतलब, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है। हालांकि देखो ध्यान दो, हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई सर्कल बोलते तो सर्कल को पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में बदल दो और पॉइंट को भी आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में बदल दो, और पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में बदलने के बाद आप फिर वही काम कर सकते हो कि अपने कोऑर्डिनेट मेथड से आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, है ना। कोऑर्डिनेट में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बहुत आसान होता है, हम लोगों ने सीखा है। तो अगर वो कोई सर्कल दे उसे कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो, पॉइंट को कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो, और फिर कोऑर्डिनेट मेथड से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो। फिर देखो ध्यान दो, जब टेंजेंट का इक्वेशन आ जाए तो उसको वापस आप फिर से बदल सकते हो, है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन में। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये, बताता हूं मैं आपको, लिखो जरा पहले ध्यान से इसको।